नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ हमारे यहाँ जो बनता है बैंगन का भरता, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ जैसे बनता है वो आप मुझे बताइए, मेरे यहाँ जैसा बनता है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें बैंगन। इसको हम लोग, कई लोग बैंगन का भरता उबाल के बनाते हैं, कई सेक के भी बनाते हैं, और कई आजकल तो बड़े डिफरेंट तरह से ही बनाने लग गए लोग उसको घिसके करके। मैं आपको बस ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी, जो कि है भून के बनाना। इसके लिए हमें चाहिए बैंगन, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, और इसमें हम अदरक भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। मैं इसमें अदरक नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मैं अदरक नहीं स्किप कर रही हूँ। और अगर आप बनाते हो अगर अदरक के साथ, आप अदरक ले सकते हैं। इसके लिए हम सबसे बैंगन को सेकने से पहले बैंगन को हम लोग ना घी से या ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग करके थोड़ी सी इसको मसाज दे देंगे अच्छे से कि ये अब सिकने जा रहा है। इसके लिए हम गैस जला लेंगे, और अगर आपके पास ऐसा स्टैंड हो वो रख लीजिए, नहीं तो उसको आप डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। इधर हम अपना बैंगन सेकने लगते हैं। इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे सिकने में। ये हमारा बहुत अच्छे से सिक के, चारों तरफ से अच्छे से सिक के रेडी हो जाता है। जब तक बैंगन हमारा सिक के तैयार होता है, तब तक हम लोग प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, इन सबको बारीक बारीक चॉप करके रख लेते हैं। तो ये हमारा चॉपिंग कम्प्लीट हो गई है। बैंगन भी हमारे लगभग सिक गए हैं, अब देखते हैं हम इसको हटा के तैयार हो गया है। अब हम इसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे कुकिंग जो आगे की है वो स्टॉप हो जाए। तैयार है, बिल्कुल भुन चुका है अच्छे से, और हमने इसको धो लिया है, ग्रीस कर लिया था, इसलिए इसके छिलके 1 सेकंड में साफ। अब इसको टॉपिंग को मैंने हटा, इसकी टोपी को हटा दिया है, और अब हमारी प्रिपरेशन शुरू कर दी। टॉपिंग रोस्टिंग पूरी हो चुकी है, अब हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है गरम करने के लिए। जैसी कढ़ाई गरम होती है मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और मैं ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। बैंगन का भरता लोहे की कढ़ाई में जब बनता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्ट मतलब एक तो भुना हुआ, स्मोकीनेस उसमें आ जाती है भूनने के बाद, और फिर जब इस पे बनता है तो टेस्ट ट्रिपल चौपल बढ़ ही जाता है। जैसे हमारा तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें पहले घी डालेंगे और थोड़ा सा जीरा। नेक्स्ट अब हम इसमें हमारे प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही मैं इसमें मिर्ची और लहसुन डाल देती हूँ। इधर थोड़े से लहसुन भी इसके साथ रोस्ट हो जाए, पर कई बार क्या होता है ना, लोग पहले लहसुन डाल देते हैं और तो उससे क्या रहता है, फ्लेवर लहसुन की तो खुशबू बहुत ज्यादा आ जाती है, और फिर कई लोग होते हैं उनको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उससे लहसुन की इतनी खुशबू भी नहीं आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब दिखेगा तो सही कि लहसुन डला है, पर खुशबू नहीं आएगी लहसुन की, जो एक अलग सी स्मेल आती है ना वो उसमें नहीं आती है। थोड़ा सा प्याज हल्का सा सॉटे करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है हमारे प्याज में, पानी इसमें छोड़ दिया है, क्वांटिटी कम हुई है प्याज की, थोड़े से प्याज हमारे भून गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमारा ये जो टमाटर है ये भी थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है, और इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पोजीशन पे अब हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ नमक, और मिर्ची, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून डाली है,
और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें से आपको जस्टिफाई हो रहा होगा कैमरे में कि इसमें बबल्स जो है ऑयल और वाटर के बबल्स इसमें आने लग गए हैं, ऑयल हमारा ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। इस पोजीशन पे मैं इसके साथ बैंगन को डाल देती हूँ और उसको हम अच्छे से बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर अपना बैंगन डाल दूंगी। भरते के लिए जब हम बैंगन लेते हैं ना तो हमें बहुत ध्यान से लेना चाहिए, उसको अच्छे से देख के, उसमें कोई छेद ना हो या कोई ऐसा डक वगैरह ना लगा हुआ हो, प्लेन होना चाहिए बिल्कुल और साफ। अगर हम साफ लेंगे तो उसके अंदर कीड़े होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वरना इतना बड़ा बैंगन और एक बार में अगर कीड़े निकल गया तो हो गया पूरा, फिर हम बना नहीं पाएंगे। कि हमने इसमें बैंगन डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर मैश करेंगे बैंगन को और भूनेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा अपने हिसाब से, थोड़ा जितना आप लेते हैं ना थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए जिससे कि अच्छे से हमारी इसकी बैंगन की भुनाई हो सके। हमें तब तक अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आए और आपकी जो की क्वांटिटी है थोड़ी सी कम ना हो जाए। जब हम भूनेंगे तो ये अपना वाटर भी लूज करेगा और इसका वॉल्यूम भी लूज करेगा, तो थोड़ा क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी कम होगी। तो अच्छे से भूनिए, फिर मैं इसको भून के फिर लास्ट एंड पॉइंट आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये भरता बनके रेडी। अब जितना तेल हमने डाला था इसके अंदर सारा ऊपर आ चुका है, इसलिए हम ये अब ये हमें इस पोजीशन में दिखता है कि ये हमारा भरता भुन चुका है। अब इसको एंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हरा धनिया चॉप करके छोटा छोटा काट के और इसको उसमें मिक्स कर देंगे और इट इज नाउ इट्स डन। ये बनके रेडी हो चुका है। हाँ, इसमें एक चीज, जो कोई लहसुन ना खाता हो वो सिर्फ टमाटर और प्याज के साथ भी इसी तरह इसी प्रोसेस से ये बैंगन का भरता बना के टेस्ट कर सकते हैं। आपको एक रेसिपी कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए और अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।